नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति, शुरुआत हेडलाइंस के साथ। वॉशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन संपन्न, अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी, कहा आतंकी कर सकते हैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परमाणु आतंकवाद के खिलाफ तकनीक के इस्तेमाल पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा, जापान समेत कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात, ब्रिटेन और कनाडा से निवेश की अपील। सऊदी अरब दौरे के लिए वॉशिंगटन से हुए रवाना। विजय माल्या का प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से इनकार, मई तक का मांगा समय, ईडी जारी कर सकती है गिरफ्तारी वारंट। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 4 अप्रैल को असम की 65 और बंगाल की 18 सीटों पर मतदान, चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। और कोलकाता फ्लाईओवर हादसे में 3 अधिकारी हत्या के आरोप में गिरफ्तार, 2 इंजीनियर निलंबित, राहुल गांधी आज करेंगे घटनास्थल का दौरा। अमेरिका में वैश्विक परमाणु सुरक्षा शिखर बैठक में परमाणु सुरक्षा का मुद्दा हावी रहा। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आतंकवादियों को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने पर खास जोर दिया। इसके लिए उन्होंने विश्व समुदाय से सहयोग की अपील की। परमाणु सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन ऐसे वक्त में हो रहा है जब हाल ही में पेरिस और ब्रसेल्स में आतंकी हमलों में सैकड़ों लोग मारे गए हैं। वॉशिंगटन में चौथे परमाणु सुरक्षा सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए विश्व समुदाय से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि आतंकियों को परमाणु हथियार रेडियो एक्टिव डर्टी बम हासिल करने से हर हाल में रोकना होगा। Nevertheless, as I said earlier, our work is by no means finished. There's still a great deal of nuclear and radioactive material around the world that needs to be secured. राष्ट्रपति ओबामा ने कहा कि पूरी दुनिया इस वक्त आईएस जैसे आतंकी संगठन के खतरे से भयभीत है। उन्होंने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर इन लोगों के हाथ में परमाणु बम या परमाणु सामग्री लग गई तो वे निश्चित तौर पर उसका इस्तेमाल बेगुनाह लोगों को मारने के लिए करेंगे। At our session on ISIL this afternoon, there was widespread agreement that defeating terrorist groups like ISIL requires more information sharing. Everybody understands the urgency in the wake of what's happened in Brussels and Turkey, Pakistan and so many other countries around the world. ओबामा ने कहा कि करीब 2000 टन परमाणु सामग्री के अंबार विश्व में असैन्य और सैन्य प्रतिष्ठानों में हैं, जिसमें से कुछ बेहतर सुरक्षा के बिना हैं। सम्मेलन में विश्व नेताओं ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया। सम्मेलन में मुख्य जोर परमाणु सामग्री के वैश्विक जखीरे को सुरक्षित करने पर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन में परमाणु हथियारों के बढ़ते खतरे पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि कुछ देशों की सरकार की तरफ से सक्रिय परमाणु तस्करों और आतंकवादियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिससे आज परमाणु सुरक्षा को लेकर सबसे बड़ा खतरा पैदा हो गया है। ब्रसेल्स में हाल के आतंकी हमले का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रसेल्स हमले से परमाणु सुरक्षा को आतंकवाद से पैदा हुए खतरों का पता चलता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परमाणु सुरक्षा को राष्ट्रीय प्राथमिकता माना जाना चाहिए और सभी देशों को अपने अंतर्राष्ट्रीय बाध्यताओं का पालन करना चाहिए। उन्होंने IAEA के परमाणु सुरक्षा कोष में भारत की तरफ से $10 लाख का योगदान देने की भी घोषणा की। भारत ने दूसरी बार ऐसा योगदान किया है। अमेरिका में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन के अलावा प्रधानमंत्री ने कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात करके द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन और कनाडा के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात करके आपसी रिश्तों को और बेहतर बनाने के साथ साथ निवेश पर भी जोर दिया। चौथे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरून से मुलाकात कर कई द्विपक्षीय मसलों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने रक्षा निर्माण के क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत ब्रिटेन से निवेश की अपील की। बैठक में दोनों देशों ने आपसी रिश्तों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया। He also said that we need to increase our partnership in defense. Prime Minister said that high-tech defense production had now been opened up to 100% foreign direct investment. India had skilled manpower, cheap labor was also available.
and as such the UK can become a very important partner in the Make in India initiative, particularly in the defense sector. प्रधानमंत्री ने कनाडा के प्रधानमंत्री से भी मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय विकास प्राथमिकता के सभी क्षेत्र में कनाडा से सहभागिता और निवेश की अपील की। इंडिया एंड कनाडा आर टू कंट्रीज व्हिच आर लिटरली मेड फॉर ईच अदर। ही सेड दैट कनाडा हैज द नेचुरल रिसोर्सेज, ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज इन द वर्ल्ड, इंडिया हैज द नीड फॉर दोज रिसोर्सेज एज वेल एज द मैन पावर। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे से भी मुलाकात कर कई अहम विषयों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीन देशों की यात्रा का अगला चरण सऊदी अरब होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को प्रतिबंधित करने की कोशिश को चीन के वीटो पर नाराजगी जताई है और इस मामले में उचित कदम उठाने की बात कही है। वहीं चीन ने सफाई दी है कि नियम और तथ्यों के आधार पर फैसला लिया गया है। आतंकी सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने के संयुक्त राष्ट्र में पेश प्रस्ताव पर चीन के वीटो पर भारत ने नाखुशी जाहिर की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि चीन का कदम ठीक नहीं है। विदेश मंत्रालय इस मामले को चीन के सामने उठाएगा और विरोध दर्ज कराएगा। वी फाइंड इट इनकॉम्प्रिहेंसिबल दैट व्हाइल द पाकिस्तान बेस्ड जैश मोहम्मद was listed in UN Security Council Committee established under UNSCR 1267, 1989 and 2253 as far back as 2001 for its well-known terror activities and links to the Al-Qaeda. The designation of the group's main leader, financier and motivator has been put on a technical hold. Congress ne sarkar par is mamle mein sahi tarike se Bharat ka paksh nahi rakhne ka aarop lagaya hai. The denial of India's plea to characterize JEM and Azhar Masood as a terrorist oblique banned organization and the failure to put him in the category of organizations like Al-Qaeda or ISIS is particularly offensive. विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि चीन के इस कदम से साफ है कि भारत विरोधी नीतियों को लेकर उसका क्या रुख है। चाइना ने दो बार ये वीटो का उपयोग किया है ये मसूद अजहर के बारे में। उनकी जो नीति है, नीतियां हैं पाकिस्तान के प्रति, ये बिल्कुल इससे साफ प्रकट होता है कि पाकिस्तान के प्रति जो उनकी नीतियां हैं, जो भारत विरोधी नीतियां हैं, उनके लिए अधिक महत्वपूर्ण है। चीन ने वीटो के फैसले का बचाव किया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये नियम और तथ्यों के आधार पर उठाया गया तटस्थ कदम है। चीन ने दूसरी बार जैश मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर को प्रतिबंधित सूची में डालने की भारत की कोशिशों पर वीटो किया है। भारत ने पठानकोट हमले के बाद फरवरी में संयुक्त राष्ट्र को पत्र लिखा था, लेकिन गुरुवार को चीन ने यूएन कमेटी को फिलहाल इस फैसले पर रोक लगाने के लिए वीटो कर दिया। इससे पहले 2008 के मुंबई हमले के बाद मसूद अजहर पर बैन के प्रस्ताव पर चीन ने वीटो किया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 2001 में उसके संगठन जैश ए मोहम्मद को प्रतिबंधित सूची में डाल दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक विजय माल्या आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। माल्या ने एजेंसी के सामने बयान देने के लिए मई तक का वक्त मांगा है। ईडी 900 करोड़ रुपए के आईडीबीआई कर्ज धोखाधड़ी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में माल्या की भूमिका की जांच कर रही है। माल्या ने सूचित किया है कि वो 2 अप्रैल को पेश होने में असमर्थ हैं और मई में कोई नई तारीख उन्हें दी जाए। इससे पहले कल विजय माल्या को ईडी ने दूसरा समन जारी किया है। अगर विजय माल्या आज ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ तीसरा समन भी जारी किया जा सकता है। तीसरे समन का जवाब ना देने पर माल्या के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है। 5 राज्यों के लिए चुनाव के लिए अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 4 अप्रैल को असम और पश्चिम बंगाल में होने वाले पहले चरण के चुनाव के लिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। सोमवार को पहले दौर के लिए असम की 65 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जबकि 11 अप्रैल को बाकी 61 सीटों पर दूसरे दौर का मतदान है। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के पहले दौर की 18 सीटों के लिए भी सोमवार को वोट डाले जाएंगे, जबकि पहले दौर की बाकी 31 सीटों पर 11 अप्रैल को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती 4 अप्रैल को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। पीडीपी नेता अमिताभ मट्टू ने यह जानकारी दी है।
वो राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री होंगी। वहीं दिल्ली में बीजेपी महासचिव राम माधव ने भी ऐसे ही संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगले 2-3 दिन में सरकार गठन की पूरी संभावना है। सरकार गठन के मसले पर महबूबा मुफ्ती और पूर्व उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह की मुलाकात भी हो चुकी है। राज्य में 8 जनवरी से राज्यपाल शासन लागू है। इससे पहले भी राज्य में पीडीपी और बीजेपी की गठबंधन सरकार थी। वो मुफ्ती जी की बीजेपी के लेजिस्लेटर पार्टी के लीडर निर्मल सिंह जी से भी बात हुई है। उसके बाद दोनों पार्टियां अब मिलकर सरकार बनाने के लिए लगभग अपनी सहमति तय कर लिए हैं। जल्दी गवर्नर से मिलकर आगे की प्रक्रिया पूरा करेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विनियोग अध्यादेश के खिलाफ कांग्रेस की तरफ से दायर याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। हरीश रावत ने नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर करके उत्तराखंड के लिए जारी विनियोग अध्यादेश को चुनौती दी है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल को होगी। याचिका में दलील दी गई है कि वित्त विधेयक उत्तराखंड में विधानसभा पहले ही पारित कर चुका है, ऐसे में केंद्र उसे दोबारा पारित नहीं कर सकता। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उत्तराखंड के खर्च के लिए विनियोग अध्यादेश को मंजूरी दी है। इसमें अप्रैल से जुलाई तक राज्य के खर्च की व्यवस्था की गई है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में बागी कांग्रेस विधायकों के मामले में सुनवाई भी 11 अप्रैल तक टाल दी है। हमने ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया था और हाईकोर्ट ने उस पर नोटिस किया है और हमने याचिका में ये डाला है कि ये जो कदम उठाया है केंद्र सरकार ने ये असंवैधानिक है। उस इशू पे नोटिस हुआ है और हमारे स्टे एप्लीकेशन पे भी नोटिस हुआ है और ये सुनवाई अब 6 तारीख को होगी। खबरें जारी, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। विरासत में इस बार ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी की दास्तान सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। मिलिए कलम गवाह है के इस अंक में वरिष्ठ संपादक, लेखक और पूर्व राज्यसभा सदस्य कुलदीप नैयर से। ये इंदिरा गांधी के खिलाफ मैंने काफ़ी लिखना शुरू किया क्योंकि एक डिक्टेटोरियल उनका एटीट्यूड हो रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी लगाई तो बाद में मिसेस गांधी ने कहा किसी से कि ये सब कसूर इस आदमी का है, ये जो कॉलम लिखा और ये मुझे बहुत तंग किया, सब इसकी टीका टिप्पणी से मुझे बहुत तंग आया और लोगों पर बहुत असर पड़ा। मुरारजी देसाई वॉज द फर्स्ट टू थ्रो हिज हैट इन द रिंग। कलम गवाह है, श्रेष्ठ संपादकों से संवाद सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। लोकतंत्र की जद्दोजहद से निकला नेपाल, घोषित किया संविधान, मधेशियों में फैला आक्रोश। जब तक संविधान में नहीं संशोधन कीजिएगा तब तक हमारे आंदोलन जारी रहेगा। क्या शांत होगा नेपाल? द मेन मिशन ऑफ माई कमिंग to India was to clear misunderstanding and apprehensions that surfaced in the last few months. देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट नेपाल का आत्मसंघर्ष सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। कोलकाता पुलिस ने निर्माणाधीन पुल हादसे की जांच तेज कर दी है। इस बीच पुलिस ने 3 अधिकारियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है, जबकि पुल के निर्माण में शामिल 2 इंजीनियरों को निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज घटनास्थल का दौरा करेंगे। कंपनी के कुछ अधिकारियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कोलकाता में गिरे निर्माणाधीन पुल का मलबा हटाने का काम पूरा होने के बाद पुलिस ने आरोपी कंपनी IVRCL के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। FIR दर्ज करने के एक दिन बाद कंपनी के 5 अधिकारियों को हिरासत में लिया गया।
पुलिस की एक टीम अधिकारियों से पूछताछ के लिए कंपनी के मुख्यालय हैदराबाद भी पहुंची। फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल का दौरा कर अहम सबूत जुटाए। 23 डेड बॉडी के रिमूव करा हुआ है, एक डेड बॉडी एखनो ट्रैप्ड আছে। बाकी जरा इंजर्ड আছে সব হসপিটালে কিছু লোক ডিসচার্জ করে দিয়া হয়েছে। টোটাল সংখ্যা হচ্ছে 89 এন্ড যারা কোম্পানির লোক আছে ওদের মধ্যে কিছু লোককে ডিটেইন করা হয়েছে। আমরা ওদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিচ্ছি। पुल गिरने को दैवीय प्रकोप बताने वाले कंपनी के अधिकारियों ने अब इसे दुर्घटना बताया है। The act of God is just an expression that is used only to describe that it is no under no one's control. We are anxious to know why it happened as well. We want to know the reason why it happened. हादसे के बाद सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सीपीएम ने दोषी अधिकारियों और नेताओं पर कार्रवाई की मांग की है। मेन कॉन्ट्रैक्टर है, उनका तो जिम्मेदारी है ही है, लेकिन JNURM के अगर आप देखें प्रोटोकॉल, उसमें साफ है कि जो सरकारी एजेंसी उसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसका भी बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। हम बोल रहे हैं ये तमाम बातों के ऊपर तहकीकात होना चाहिए। बीजेपी ने राज्य सरकार पर आपराधिक लापरवाही का आरोप लगाया है। इसकी CBI से जांच की जानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ क्रिमिनल नेग्लिजेंस नहीं है बल्कि करप्शन नेक्सस है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज किया है। पार्टी ने कहा कि CPM शासनकाल में दिए गए पुल के ठेके की योजना और डिजाइन में कई खामियां थीं। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग लोकल पीपल हैड एन एलिगेशन आल्सो द डिजाइन द टेक्निक एंड द वे द ब्रिज वाज प्रोसीडिंग was going to be completed, a huge portion of family people were opposing it from the very beginning. कोलकाता के व्यस्त बड़ा बाजार इलाके में गुरुवार को निर्माणाधीन पुल का 60 मीटर हिस्सा गिर गया था। पिछले 7 साल से यहां निर्माण का काम चल रहा था। हादसा हुआ, हादसों में मौतें हुई और मौतों पर राजनीति भी हुई, लेकिन ये हादसा अपने पीछे कुछ सवाल जिंदा छोड़ गया है। इस हादसे के दोषी कौन है और जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कब तक होगी? कैमरामैन जितेंद्र के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा TV, कोलकाता। बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव को रोकने के लिए कहा है। कोर्ट ने इसे महिलाओं का मौलिक अधिकार बताते हुए सरकार को मामले में एहतियाती कदम उठाने का निर्देश भी दिया है। वहीं इस मामले में विरोध कर रही महिलाओं ने आज मंदिर पहुंचने की बात की है। अब महाराष्ट्र के शिंगणापुर मंदिर में महिलाएं भी शनि को तेल चढ़ा सकेंगी। शुक्रवार को मुंबई हाईकोर्ट ने सरकार को महिलाओं के पूजा करने में आ रही अड़चनों को दूर करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पूजा स्थल सभी वर्गों के लिए खुले हैं और वहां पूजा करना महिलाओं का मौलिक अधिकार है। फैसले के बाद महिला कार्यकर्ताओं में नया उत्साह आ गया है। जो कोर्ट ने आदेश दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। ये नारी शक्ति की जीत हुई है और हमने आंदोलन जो खड़ा किया था उसकी बहुत बड़ी ये जीत है। तो अभी आगे जो है वो आज कोर्ट ने आदेश किया है कि शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर महिलाएं जा सकती है, जहां पे पुरुष जा सकते हैं वहां पे महिलाओं को एंट्री मिलनी चाहिए। तो कल जो है वो शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर हम सम्मान पूर्वक जाने वाले हैं। हमारी सभी महिलाएं जो है वो शनि प्लेटफॉर्म के ऊपर दर्शन के लिए कल जाएगी। कोर्ट ने सरकार को यह भी कहा कि इस मामले में किसी तरह का लैंगिक भेदभाव ना हो, इसके लिए कानून को लागू कराया जाना बेहद जरूरी है। सामाजिक कार्यकर्ता और पेशे से वकील प्रमिला नेसर्गी ने कोर्ट के इस फैसले को उन तमाम धार्मिक स्थलों के लिए एक नसीहत बताया जो महिलाओं को पूजा से रोकते हैं। दिस विल बी आई ओपनर फॉर ऑल द टेंपल अथॉरिटीज थ्रू आउट द कंट्री। दे शैल नॉट रेस्ट्रिक्ट आवर वे, बी इट व्हाट इज दैट इन टेंपल इन अय्यप्पा टेंपल इन गुरु Kerala or any other temple where women are restricted, we have every right to go and we'll go. So also, Dargahs cannot restrict the Muslim women. महाराष्ट्र सरकार ने भी महाराष्ट्र हिंदू पूजा स्थल कानून लागू करने का भरोसा दिलाया। पिछले साल 29 नवंबर को एक महिला ने शनिदेव के चबूतरे पर जाकर पूजा की और तेल चढ़ाया, जिसके बाद मंदिर का शुद्धिकरण कराया गया। इसके बाद से महिला कार्यकर्ताओं ने ऐसे पूजा स्थलों पर महिलाओं के जाने और पूजा करने का अधिकार पाने के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा TV। तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर 85% हिस्से पर तस्वीरों के साथ चेतावनी प्रकाशित करने के विरोध में सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने शुक्रवार से उत्पादन बंद करने का फैसला किया है।
टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बयान में ये जानकारी देते हुए कहा गया है कि सिगरेट निर्माताओं के उत्पादन बंद करने से हर रोज 350 करोड़ रुपए के राजस्व के नुकसान का अनुमान है। तंबाकू कंपनियों ने 15 मार्च को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर नए नियम के बारे में स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की थी, लेकिन मंत्रालय की तरफ से ऐसा नहीं करने पर कंपनियों ने नियमों के उल्लंघन से बचने के मद्देनजर निर्माण संयंत्र बंद करने का फैसला किया है। इन कंपनियों का कहना है कि तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर 85% हिस्से पर चेतावनी छापने की अनिवार्यता से देश में अवैध सिगरेट के कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस उद्योग पर आश्रित किसानों समेत 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। उत्पादन बंद करने वाली कंपनियों में ITC, गॉडफ्रे, फिलिप्स और VST शामिल हैं। टोबैको इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ये सदस्य कंपनियां देश में सिगरेट पर शुल्क में 98% योगदान करती हैं। भीषण सूखे की मार झेल रहे बुंदेलखंड इलाके में लोगों का हाल बेहाल है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है। मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए आयोग ने कहा है कि दोनों राज्यों के बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और लोग बेहद खराब हालत में गुजर बसर कर रहे हैं, जो मानवाधिकार का उल्लंघन है। आयोग ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों से इस बारे में 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले की जांच के लिए NIA की टीम पाकिस्तान जाएगी। NIA के महानिदेशक शरद कुमार के मुताबिक पाकिस्तान की जांच टीम से इस बारे में बताया गया है और उन्होंने इसका स्वागत किया है। दौरे की तारीख बाद में तय होगी। इस्लामाबाद से जांच टीम शुक्रवार को भारत से लौट गई। NIA प्रमुख के मुताबिक टीम को ठोस सबूत सौंपे गए हैं। 27 मार्च को भारत आई पाकिस्तानी टीम ने पठानकोट एयरबेस का दौरा भी किया था और 16 चश्मदीदों के बयान दर्ज किए। द NIA sought voice samples of some senior office bearers of JEM and DNA sample of the mother of slain terrorist Nasir Hussain. The JIT was also requested to verify the various articles seized from the terrorists, including arms and ammunition. पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा उल्लंघन के आरोप में 59 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इन मछुआरों की 10 नौकाओं को भी जब्त कर लिया गया है। पकड़े गए मछुआरे गुरुवार को अरब सागर में मछलियां पकड़ रहे थे। गिरफ्तार किए गए मछुआरों में से ज्यादातर गुजरात के रहने वाले हैं। ये गिरफ्तारी उस वक्त हुई है जब कुछ दिन पहले ही दोनों देशों ने एक दूसरे के कुछ मछुआरों को रिहा किया था। पाकिस्तान ने 6 मार्च को 87 और 20 मार्च को 86 भारतीय मछुआरों को छोड़ा था। वहीं भारत ने भी 17 मार्च को कई पाकिस्तानी मछुआरों को रिहा किया था। सऊदी अरब और अमेरिका लश्कर ए तैयबा, अलकायदा और तालिबान पर नकेल कसने के लिए मिलकर काम करेंगे। साथ ही उन संगठनों को वित्तीय मदद और नेटवर्क पर अंकुश लगाने को लेकर भी दोनों देश सहमत हुए हैं। फिलहाल दोनों देशों ने 4 लोगों और 2 संगठनों पर प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी वित्त विभाग ने जेम्स अलेक्जेंडर मैकलिंटोक, अल रहमान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, अब्दुल अजीज नूरुस्तानी, जामिया सारिया मदरसा, नवीद कमर और मोहम्मद इजाज सरफराज को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। अमेरिकी वित्त विभाग की कल की इस कार्रवाई के बाद सऊदी अरब ने भी इन व्यक्तियों और इकाइयों के खिलाफ पाबंदी लगा दी। फ्रांस की राजधानी पेरिस में शुक्रवार को गैस की वजह से एक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिस बिल्डिंग में ये घटना हुई वहाँ स्टॉक एक्सचेंज के पास ये है और धमाके से आसपास की कई इमारतों के शीशे चटक गए और काफ़ी देर तक आसमान में धुएं का गुबार छाया रहा। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके को खाली करा लिया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय एजेंसियां सतर्क हो गई।
पेरिस आतंकी संगठनों के निशाने पर रहा है। पिछले साल यहां आतंकी हमले में 130 लोग मारे गए थे। और आखिर में हेडलाइंस पर एक नजर। वॉशिंगटन में परमाणु सुरक्षा सम्मेलन संपन्न। अमेरिकी राष्ट्रपति की चेतावनी, कहा आतंकी कर सकते हैं परमाणु हथियार का इस्तेमाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का परमाणु आतंकवाद के खिलाफ तकनीक के इस्तेमाल पर जोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा, जापान समेत कई देशों के प्रमुखों से मुलाकात। ब्रिटेन और कनाडा से निवेश की अपील। सऊदी अरब दौरे के लिए वॉशिंगटन से हुए रवाना। विजय माल्या का प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने से इनकार। मई तक का मांगा समय। ईडी जारी कर सकती है गिरफ्तारी वारंट। असम और पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए आज शाम थम जाएगा चुनाव प्रचार। 4 अप्रैल को असम की 65 और बंगाल की 18 सीटों पर मतदान। चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। और कोलकाता फ्लाईओवर हादसे में 3 अधिकारी हत्या के आरोप में गिरफ्तार। 2 इंजीनियर निलंबित। राहुल गांधी आज करेंगे घटनास्थल का दौरा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।